नगर निगम मारपीट प्रकरण में अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ पीड़ित पार्षद कीर्ति घोपला से मिलने पहुंचे हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान यहां पर मौजूद है, शायद मंजूर साहब यहां पर मौजूद हैं, योगेश वर्मा यहां पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस मामले को लेकर पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जी से हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के हों, राष्ट्रीय लोकदल के हों, तमाम नेता इस मामले को पूरे मुखर तरीके से उठा रहे हैं। आज आप भी यहां पर आए हैं, किस तरीके से रहेगा इस पार्षद के लिए? मैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के लोगों के साथ आया हूं। नगर निगम में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दलित पार्षद कीर्ति घोपला के साथ और एक बहुजन समाज पार्टी के आशीष के साथ जिस तरीके से ये कार्य हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और लोकतंत्र में इस तरीके का किसी भी कीमत पर कार्य नहीं होना चाहिए। पक्ष को विपक्ष की बात सुनने का ही कर्तव्य है, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एकांगी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को अगर कोई उठाता है तो उसे बुरा मानती है। जिस तरीके का हमारे सब पार्षदों के साथ मारपीट किया और उनको गाली गलौज किया, इससे क्या साबित होता है कि ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो ये होता नहीं। लोकतंत्र में तो पक्ष को विपक्ष की बात सुनना पड़ेगा और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे लोकसभा में हो, हर जगह अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहती। अगर कोई सदस्य उठाता है तो उसे अनसुना कर देते हैं, अगर न जोरदारी से उठाते हैं अपनी बात को, संगठित होकर उठाते हैं तो उसे निलंबित कर देते हैं। ये घटना उसी तरीके से हुई है कि मेरठ नगर निगम में पार्षद आपकी बातों को कह रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, तो उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ सामाजिक अपमान हुआ। इसको समाजवादी पार्टी ने गंभीरता लिया है। इस रिपोर्ट को मैं समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव जी के प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, क्या क्या बड़ी चीजें निकल कर आई हैं? चूंकि अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि जाइए पार्षदों से मिलिए, आज ही लोग आपसे भी मिले हैं, क्या एक चीज निकल कर सामने आई है जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये बहुत सबसे ज्यादा ये चीजें गलत थी? देखिए, पीड़ित पार्षदों ने जो लिख करके दिया है, अपनी सूचना दिया है FIR करने के लिए, लेकिन वो अज्ञात में लिखा गया है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने की मांग करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक भी आप देख रहे हैं कि मुकदमा नहीं कायम हो रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम चीजें, मुकदमा कायम इनको करना पड़ेगा। ये बात सदन में उठेगी। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी, हमारे विधायक, हम सब लोग इस बात को उठाएंगे, नहीं तो इनको मुकदमा काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है, बीजेपी के लोग भी हैं, वो भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है उसके पीछे उनका? ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? आपकी तो हुकूमत है, आपके साथ शासन प्रशासन है, और आप आरोप दूसरे पर लगो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा। हमें पीड़ा भी होगी, हमें पीड़ित भी करेंगे और आप हम पे आरोप लगाएंगे, इससे क्या साबित होता है? ये आपका शासन है, आपका प्रशासन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें और जिस तरीके से मिशन 2024 नजदीक है, ऐसे में ये मामला होना और भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने चल रहे हैं? ये ऐसे में मामला नहीं है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई, धर्म और जाति के आधार पर पक्षपात कर रही है और धर्म जाति के आधार पर लोगों के साथ कार्रवाई कर रही है। ये पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी आपने देखा मेरठ की भी एक घटना है कि आपने देखा कि किसान है, उसने आत्मदाह कर दिया। अभी बताया मुझे विधायक जी ने, यहाँ पर किसान अपनी बात कह रहा है कि हमारी फसल किस तरीके से आप खत्म करे दे रहे हैं, और वो आत्मदाह कर गया। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? और उसकी जान पे बनी है, वो आदमी आत्मदाह कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आप शासन प्रशासन चला रहे, कैसे चला रही है? अच्छा, एक मुद्दा और है, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं, अभी तक गन्ने का रेट तय नहीं है, किसान भी परेशान है और समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात को उठाती रही है कि किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं। अब तक गन्ने का रेट तय नहीं है, कई जगह बकाए गन्ने का भुगतान नहीं मिला, तो गन्ने का लागत मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ने का जो लोग देते हैं गन्ना उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है, और झूठ बोलते हैं सदन से लेकर के बाहर भी कि हम इतने हजार करोड़ रुपए पेमेंट कर दिया, हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया। इस ठंड में किसान अपने पैसे मांग रहा है लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है और इस सरकार से उम्मीद करना लोगों को छोड़ देना चाहिए और 2024 में इन्हें हटाना चाहिए। अतः जी, गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, पश्चिम में कौन बड़ा हो सकता है, अखिलेश यादव गठबंधन में किस तरीके से रहेंगे, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हुई है?
अब गठबंधन की बात तो हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई उसको नीचे तक ले जाएगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं 80 के पार, अब बीजेपी तो 400 के पार भी बोल रही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव हमने देखे, एक चुनाव हमने खतौली में देखा, एक चुनाव हमने घोसी में विधानसभा का देखा, एक मैनपुरी लोकसभा का चुनाव। तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये उत्तर प्रदेश में जो 80 की बात हो रही है एकदम झूठा है, एकदम झूठा। आखिरी सवाल मेरा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को उसका कार्यक्रम में भी है, तमाम चीजें उसको लेकर चलिए, कहीं ना कहीं सियासत के केंद्र बिंदु में भी इसको लेकर चर्चाएं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान को तो सब लोग मानते हैं, राम को भी सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम सबके मन में है राम और हम यही चाहते हैं कि सब लोग राम के नाम पर राजनीति न करें। कुछ लोगों को न्योता ही नहीं मिला, अब वो तो बीजेपी की बात है, वो बीजेपी का अपना कार्यक्रम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए नरेशोत्तम पटेल जी हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और ये भी कह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति ना करें। हालांकि जिस मसले पर वो मेरठ में पहुंचे हैं उनका सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी मेरठ नगर निगम के इस प्रकरण को पुरजोर तरीके से उठाएगी और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करती रहेगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।